के अभ्यास के लिए सभी तैयार हों। किसी भी आसन में बैठ जाएं, जिसमें भी सहज तरीके से आप बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, आलती पालती मारकर जैसे भी आप सहजता से बैठ सकते हैं बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखों को बंद कर लें और धीरे धीरे गहरे लंबे सांस भरें। धीरे धीरे गहरे लंबे सांस और सांस को देखें कि नासिका का स्पर्श करती हुई कंठ चक्र से अंदर प्रवेश करती हुई हृदय चक्र में प्रवेश करती हुई नाभि चक्र तक जा रही है और फिर नाभि चक्र से वापस आ रही है। सहज श्वासों के प्रभाव को महसूस करें। प्रत्येक अंदर जाने वाली श्वास और बाहर आने वाली श्वास को महसूस करें। हर श्वास के साथ सामान्य होते जाएं, सहज होते जाएं, शांत होते जाएं। हर श्वास को महसूस करें। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। सहज होते हुए दोनों हाथों को जोड़ें और ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे समस्त देवी देवताओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों। हम आपकी ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं। और महसूस करें कि सहस्त्र चक्र से ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करने लगी है। महसूस करें कि सहस्त्र चक्र से ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपके हाथ की हथेलियों से ऊर्जा बाहर जा रही है। लगातार बाहर जाती ऊर्जा को महसूस करें। और अपने दाहिने हाथ को उठाकर तर्जनी उंगली को सीधा करें। जैसे विष्णु की स्थिति आपने देखी होगी तस्वीरों में और उनकी उंगली पर सुदर्शन चक्र होता है, ठीक उसी स्थिति में आपको अपने उंगली को करना है।
और महसूस करें कि उस उंगली से ऊर्जा की किरणें चारों ओर गोलाकार घूमती हुई निकल रही हैं। ऊर्जा का चक्र इस उंगली से लगातार गोलाकार घूमता हुआ अपने दायरे को बढ़ाता जा रहा है। जो उंगली पर चक्र बना हुआ है वो बड़ा होता हुआ और देखें सुदर्शन चक्र की तरह वो ऊर्जा अपना रूप ले रही है। लगातार उस सुदर्शन चक्र को घूमता हुआ महसूस करें और उसके घूमने से ऊर्जा उसके चारों ओर बिखर रही है ऐसा भी एहसास करें। अब इस ऊर्जा के चक्र को अपने सर के पास ले जाएं, अपनी कल्पना शक्ति अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा इस उंगली के चक्र को सिर के ऊपर सहसा चक्र पर ले जाएं और महसूस करें ये घूमता हुआ चक्र आपके शरीर के ऊपर ऊर्जा की वर्षा कर रहा है। आप उस ऊर्जा के बीच में बैठे हुए हैं और आपके पूरे शरीर के ऊपर इस ऊर्जा का प्रभाव आ रहा है। सहज रूप में ऊर्जा बढ़ती हुई ये सुदर्शन चक्र की ऊर्जा आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देगी और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगी। इस सुदर्शन चक्र को इस प्रकार निर्माण करके किसी की भी ऊर्जा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये सुदर्शन चक्र की ऊर्जा बड़ी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने में प्रयोग कर सकते हैं। सहज तरीके से ये विष्णु का चक्र सुदर्शन चक्र लगातार घूमते हुए आपके पूरे शरीर को ऊर्जा से भर रहा है। पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। अब उस परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा हे समस्त दिव्य शक्तियों देवी देवताओं हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जब भी हमें आपकी ऊर्जा की जरूरत हो तो आप ऊर्जा के रूप में इसी प्रकार हमारे अंदर समाहित हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो परमात्मा आपके सर पर हाथ रख रहा है ऐसा महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे
एहसासों के साथ हाथों भी को रब करें, गर्म करके आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और फिर धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएं।